कटिहार जिला के फलका प्रखंड में पंचायत चुनाव को लेकर प्रखंड मुख्यालय में नाम वापसी को लेकर सभी प्रतिनिधियों के साथ साथ जनता की काफी भीड़ दिखाई दी। वहीं नाम वापसी के साथ साथ सभी प्रतिनिधि मोहर लेने के लिए काफी उत्साहित नजर आ रहे थे, लेकिन भीड़ इतनी काफी थी कि नाम वापसी लेते लेते शाम हो गई। प्रखंड विकास पदाधिकारी मधु कुमारी ने बताया कि प्रतिनिधि की मुहर गुरुवार की दोपहर 1 बजे से दिया जाएगा। वहीं प्रखंड मुख्यालय के बाहर पंचायत चुनाव का मुहर का स्टिकर और ईवीएम मशीन के स्टिकर सभी मुहर दुकान वाले दुकान में सजाकर बैठे हुए थे और जिस प्रत्याशी को अपना अपना मुहर की जानकारी होती जा रही थी उस तरह से खरीदारी करते जा रहे थे। दुकानदार ने यह भी बताया कि ईवीएम मशीन के द्वारा प्रतिनिधि अपने पंचायत में जाकर सभी जनता को समझा बुझाकर ईवीएम मशीन बटन डालने के लिए बताएगा और उसी प्रकार से पंचायत चुनाव का वोट भी डाला जाएगा। यहाँ पे आप पंचायत चुनाव को लेकर ईवीएम मशीन बेचा जा रहा है, इसके बारे में आप क्या उद्देश्य देना चाहेंगे? इसमें जो है ईवीएम मशीन जो जब प्रचार प्रसार में जाते हैं गांव में तो जो शिक्षित पढ़ी लिखी नहीं रहती है उसके सैंपल दिखाने के क्रम में इसका प्रयोग किया जाता है। एक बार आप हमको करके दिखाएंगे। एक नंबर कैंडिडेट का नाम रहेगा, उसका छाप रहेगा और ये प्रत्याशी तो दाबने के बाद क्या लाइट भी जलता है? हाँ, लाइट भी जलता है। तो इससे क्या प्रतिनिधि को समझाने में दिक्कत नहीं होगी? नहीं होगी। इसलिए आप ईवीएम मशीन कितने रेट का है ये? ये आपका रेट का कितने दाम का है? कितने दाम का? 150। कितना नंबर तक है? 16 नंबर तक। तो 16 नंबर तक ही आता है ना? हाँ, 16 नंबर तक आता है। 16 नंबर तक ही आता है। ये किसके लिए है? ये वार्ड सदस्य, मुखिया और यानी पांच वार्ड पांच को छोड़ के सभी के लिए है। सभी के लिए। आप अपना परिचय देंगे? मेरा घर फुलडोबी है। फुलडोबी? हाँ। कोरा? हाँ, कोरा। क्या नाम हुआ? दिलमोहन कुमार। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर, पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसी ही खबरों के लिए करें C24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।